कार्यक्रम के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम के इस अंक में मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। दर्शकों, कोविड 19 महामारी के दौरान पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसको अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। विश्व की सरकारों ने और भारत सरकार ने भी अनेक योजनाएं चलाई हैं इस अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए। इन्हीं योजनाओं में से एक है आत्मनिर्भर भारत अभियान, और इस योजना के बारे में कौन कौन सी इसमें जो है लाभ प्रदान किए जा रहे हैं, उन तमाम योजनाओं की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज में उपस्थित हैं चंडीगढ़ प्रशासन के राज्य समन्वय अधिकारी और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के कोविड 19 फील्ड ऑपरेशन में स्पेशल इंसिडेंट कमांडर श्री विक्रम सिंह राणा जी। राणा जी, आपका स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम मंजिल में हम आपका स्वागत करते हैं। दीपक जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और मैं आपका भी आभारी हूं कि आपने मुझे एक मौका दिया यहां पे अपने विचार आपके साथ साझा करने का, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका करता हूं। जी राणा जी, आत्मनिर्भर भारत जो अभियान है, ये जो अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया गया है, खासतौर पर युवाओं की अगर हम बात करें, क्योंकि जो मजदूर वर्ग है और श्रमिक वर्ग है और युवा वर्ग है, कोविड 19 महामारी के दौरान उनको एक अच्छा खासा जो है प्रभाव उनके ऊपर पड़ा है, और इस पूरी अर्थव्यवस्था में ये जो श्रमिक वर्ग हैं, मजदूर वर्ग हैं और युवा वर्ग हैं, ये एक तरह से एक बहुत अच्छे पिलर के रूप में काम करते हैं। तो सबसे पहले आप बताइए कि भारत सरकार द्वारा जो ये अभियान चलाया गया है, ये कब से इसकी शुरुआत हुई और ये अभियान है क्या? दीपक जी, सबसे पहले तो मैं बात कोविड 19 इस वैश्विक महामारी की करना चाहता हूँ जी, और इसका जो इम्पैक्ट है वो एक ग्लोबल इम्पैक्ट देखा गया है जी, और भारत वर्ष भी इस पर अछूता नहीं है। बिल्कुल। और जैसे कि आपको जानकारी है कि पिछले 7 महीनों से भारत सरकार और भिन्न भिन्न राज्य सरकारें जो हैं वो इस महामारी से लड़ने में एक प्रयासरत हैं। बिल्कुल। और इसी दौरान मुझे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर स्पेशल इंसिडेंट कमांडर, एक एरिया है हमारा जो हॉटस्पॉट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने डिक्लेयर किया था जी, और जगह का नाम है बापूधाम कॉलोनी, और जिसको भारत का जो एक धारावी है वो भी माना जाता था, क्योंकि वो सबसे लंबा कंटेनमेंट जोन रहा अगर हम बात करें चंडीगढ़ की, तो लगभग चार महीने उसको हमें कंटेनमेंट जोन में रखना पड़ा जी। और उस एरिया के अंदर क्योंकि आबादी जो थी वो लगभग 40,000 के करीब जो लोग थे, और सारे लोग जो थे वो गरीब लोग थे, दूसरे स्टेटों से आए हुए लेबरर थे, उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती होगी, इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी, और उनका जो रहन सहन था वो ऐसा था कि बहुत छोटे घर थे और एक घर के अंदर, दो कमरों के अंदर 15 से 18 लोग रहा करते थे, तो डिस्टेंस तो हमारे लिए वो बहुत बड़ा एक चैलेंज था, और उसी में मुझे मौका मिला और उसमें मुझे बहुत कुछ सिखाया भी है जी। और मैं अगर आपको कोविड 19 पेंडेमिक की बात करूँ तो इस वैश्विक महामारी ने देखिए कि एक मानवीय मूल्यों को धराशायी किया, मानवीय संबंधों को धराशायी किया, और मैंने तो क्योंकि पर्सनल मेरे जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसमें मैंने ये भी देखा है कि इस महामारी के दौरान लोग एक दूसरे से मिलना बंद कर दिया, परिवार के लोग भी एक दूसरे से मिलते नहीं थे जी। बिल्कुल। तो मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं जो हम एक ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, या ह्यूमन रिलेशंस की हम बात करते हैं, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा कुठारघात था ये, और ये मेरे लिए एक बहुत शिक्षा थी, क्योंकि जब हम मेरा क्योंकि मैं फील्ड ऑपरेशन में स्पेशल इंसिडेंट कमांडर था जी, तो मुझे वो मेडिकल का इशू भी रिजॉल्व करना था, राशन का इशू भी रिजॉल्व करना था, और दूसरे जो एक मनोवैज्ञानिक जो डिसऑर्डर्स थे, लोग क्योंकि देखे घरों में बंद थे, बिल्कुल वो बाहर नहीं आ सकते थे, तो एक साइकोलॉजिकल इश्यूज भी वहां पे हुए थे, मुझे उनको भी एड्रेस करना था और मुझे अपनी सेहत का भी ध्यान रखना था, तो ये सारी चीजें मैंने बहुत क्लोज से देखी, और ये सिर्फ चंडीगढ़ की बात नहीं है और ये भारत की बात नहीं है, आप देखिए कि ग्लोबल इशू है अब ये। बिल्कुल। पर मुझे लगता है कि भारत सरकार के जो प्रयास हैं इन दिनों के अंदर, पिछले 6 महीने में मैंने देखा है, वो बिल्कुल एक सकारात्मक जो प्रयास उन्होंने करे, और इसी वजह से मुझे लगता है कि आज भारत 7-8 महीने के स्ट्रगल के बाद एक पटरी पे लौटने का प्रयास कर रहा है। बिल्कुल सही। और उसी मद्देनजर मुझे लगता है कि भारत सरकार की तरफ से जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं आत्मनिर्भर भारत की, उन्होंने जो बात करी है, या युवाओं के सशक्तिकरण की जो बात करी है, ये उसी का एक स्वरूप है।
जी बिल्कुल, आपने सही बात कही है कि भारत सरकार की जो योजना ये चलाई गई है और इस तरह के जो ये प्रयास किए गए हैं, इसी वजह से आज हम एक विकास की ओर जो है भारत बढ़ रहा है, यही कारण है कि भारत सरकार इस तरह से प्रयास कर रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान की अगर हम बात करें तो युवाओं के लिए जो है खास तौर पर कौन कौन सी योजनाएं इस अभियान के अंदर चलाई जा रही हैं? देखिए, आप अगर सरकार की योजनाओं की बात करते हैं तो इसमें तीन वर्जन है हमारे सामने। जी, वर्जन 1 था, वर्जन 2 था, वर्जन 3 था। जी, और जो वर्जन 3 था वो एक बहुत महत्वाकांक्षी है। जी बिल्कुल, और बहुत सबसे बड़ी योजना जिसको हम मानते हैं वो वही था। लेकिन ये तीनों जो वर्जन थे, पहला जो वर्जन था हमारा वो आप देखिए कि वन नेशन वन राशन कार्ड से शुरू हुआ था। जी बिल्कुल। अब इसके अंदर देखिए, अब मैं थोड़ा सा इस सारे प्रोसेस को रिलेट करना चाहता हूँ 1991 के साथ। जी बिल्कुल। आपको पता है कि 1991 के अंदर जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ था, ट्रिगर करा था, तो उसमें हमारी जो दिक्कतें थी वो बहुत ज्यादा थी, हमारी जो मुसीबत थी वो बहुत ज्यादा थी। लेकिन उस मुसीबत की घड़ी के अंदर भी भारत को क्या मिला? आप ग्लोबलाइजेशन में आए, आप प्राइवेटाइजेशन में गए और आप लिबरलाइजेशन में आप गए। तो मैं वही चीज अब यहां देखता हूं कि 2019 के अंदर जब हम पैंडेमिक 2019 का बात करते हैं तो उसमें मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने बहुत हैं और उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने जो प्रयास किए हैं और मुझे लगता है कि वो सार्थक सिद्ध होने वाले हैं आने वाले दिनों के अंदर। तो मैंने जो शुरुआत की थी कि वर्जन 1 के अंदर जो एक बहुत महत्वपूर्ण जो बात की गई सरकार की तरफ से वो वन नेशन वन राशन कार्ड की बात करी थी। जी, क्योंकि देखिए कि महामारी के अंदर सबसे ज्यादा दिक्कत किसको आई? जी, जो मजदूर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को नहीं आई। जी बिल्कुल। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो मजदूर थे, बिल्कुल सही, और मजदूरों के जो घर थे, क्योंकि वो एक से दूसरे राज्य के अंदर जाने वाले मजदूर, जी बिल्कुल, उनके लिए बहुत बड़ी एक चैलेंज थी। तो उनका दिक्कत क्या थी कि जब भी कोई राशन कार्ड की बात होती है तो अगर कोई हिमाचल का जो मजदूर है वो चंडीगढ़ जाता है या चंडीगढ़ का हरियाणा में जाता है तो उसका जो राशन कार्ड था वो उसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर एप्लीकेबल था। तो सरकार ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए जो काम किया वो उन्होंने ये कहा कि अब इस मुल्क में वन नेशन वन राशन कार्ड, मजदूर भाई चाहे किसी भी राज्य का होगा वो मजदूर भाई उसका जो राशन कार्ड है वो कहीं भी एप्लीकेबल हो सकता है, वो उसको कहीं भी यूज कर सकता है, उसका प्रयोग कर सकता जी है। क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान अगर मूलभूत आवश्यकताओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम रोटी का नाम लेते हैं। एग्जैक्टली तो अगर मजदूर वर्ग जो अपने घर से बाहर है किसी दूसरे राज्य में काम कर रहे हैं अगर उनके लिए सुविधा मिली है तो ये वाकई एक बहुत ही अच्छा कदम था। और वर्जन 1 के अंदर एक चीज और महत्वपूर्ण हुई है जी, वो भी लेबरर से संबंधित है। देखिए आप देखिए कि एक पोर्टल बना रजिस्ट्रेशन का। बिल्कुल। क्योंकि आज के दिन अगर मैं बात करूं तो जो हमारा लेबर क्लास है उसका कोई रियल टाइम डाटा नहीं है जी। आप कहीं किसी स्टेट का जो लेबरर है वो दूसरी स्टेट में है, दूसरी का तीसरी स्टेट में है, बट रियल टाइम डाटा हमारे पास डाटा नहीं है, नहीं उपलब्ध। तो अगर देखिए कि अगर रियल टाइम डाटा अगर आपके पास नहीं है तो कल को आप कोई भी योजना शुरू करना चाहते हैं, इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास डाटा नहीं था। तो ये सरकार की तरफ से एक बहुत सार्थक प्रयास है कि इन्होंने कोशिश की है कि वन नेशन वन राशन कार्ड और जो हमारा पोर्टल फॉर माइग्रेंट वो बहुत इफेक्टिव मुझे लगता है हो रहा है कि जो भी माइग्रेशन करेगा, जो भी माइग्रेंट लेबर होगा वो उस पोर्टल पे रजिस्टर्ड हो जाएगा तो उसका रिकॉर्ड सारी जगह जाता रहेगा साथ के साथ। इससे उनको जो है सुविधाएं मिलती हैं, सुविधाएं लेने में भी, क्योंकि सरकार सुविधाएं देगी बहुत ज्यादा। बिल्कुल सही बात। लेकिन एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जैसे बापूधाम की मैं बात करता हूं जी, मैंने आपको कहा कि एरिया बहुत छोटा था लेकिन आबादी वहां पे 40,000 के करीब थी जी। और आप जब कंटेनमेंट जोन के अंदर सबसे जो दिक्कत आई क्योंकि वो अपना पैसा भी निकाल नहीं पाते क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकते, बाहर नहीं जा सकते, तो सरकार ने एडमिनिस्ट्रेशन ने एक प्रोविजन किया कि हम बैंक वालों को वहां भेजते हैं, बैंक को, तो अपने आधार कार्ड से वो पैसा जो वो वहां निकलवा सकते थे जी। दीपक जी, हुआ ऐसे कि आप देखेंगे कि जब हमने लोगों को वो सुविधा दी सो बहुत सारे वहां पे जो लेबर क्लास थी, जो घर वाले थे, उनका जो अपना आधार कार्ड था वो बैंकों के साथ लिंक ही नहीं था। अब मैंने इस वहां पे प्रयास करके अपने जो एनएसएस के जो वॉलंटियर थे, कुछ कॉलेजेस से मैंने मेरे साथ जो काम कर रहे थे, मैंने उनके माध्यम से लगभग 2,275 लोगों के जो कार्ड थे उन 3 दिनों में, क्योंकि मैंने बैंक वालों से रिक्वेस्ट करी कि आपको वहां जाना पड़ेगा जी, इनको लिंक करना पड़ेगा, ये लोग वहां नहीं आ सकते हैं, 2,275 के करीब हमने वहां पे आधार कार्ड लिंक किए और 183 लोगों को डिपार्टमेंट ऑफ लेबर जो है उससे हम पेंशन जो है वो उनको दिलवाई हम दिलवा पाए। हाँ, तो ये प्रैक्टिकल आपने एग्जांपल दिया और ये वाकई इस योजना का जो है एक जीवंत उदाहरण है।
और अगर हम वर्जन टू की अगर हम बात करते हैं जी, वर्जन टू में देखिए कि एलटीसी बोचर जो है, बोचर की बात हुई है जी, बिल्कुल आपको पता है कि सरकार के जो एम्प्लाइज हैं वो एलटीसी लेते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब वो बोचर के रूप में उनको एलटीसी मिल रहा है। हाँ, वो जा तो नहीं सकते हैं लेकिन वो एक तरह से उस लाभ को ले सकते नहीं, हैं। ये देखो ये सारे जो स्टेप हैं सरकार की तरफ से वो जो हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है उसको बूस्ट करने में बहुत महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि वो ये स्टेप भी बहुत अच्छा रहा। और उसके बाद फेस्टिवल एडवांस की अगर हम बात करते हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो SBI उत्सव कार्ड है। और आप इमेजिन करिए कि सारे के सारे वो यूटिलाइज हो चुके हैं आज के दिन। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि पिछले हमारा जो GDP था वो माइनस में चला गया था, लेकिन पिछले 3 महीने के अंदर अगर आपने देखा हुआ है तो हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बाउंस बैक कर रही है। जी बिल्कुल सही बात है। ये दूसरा जो ये महत्वपूर्ण था, और जो तीसरा जो वर्जन था ये महत्वपूर्ण है, ये बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मतलब आप इसमें देखिए कि इसमें रोजगार की भी बात है, व्यवसायों की भी बात है, और उसमें मैं जरूर जो 5 पिलर्स हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार उनकी बात करते हैं जी, बिल्कुल एक आधार वो मैं जरूर ढांचा है जिसके ऊपर exactly, सारा अभियान खड़ा है इस, ये उसके इस, बारे में इन्हीं 5 मतलब इसी के ऊपर वो खड़ा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसमें सबसे पहले मैं बात करता हूँ अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमी की, क्योंकि देखिए जी इकोनॉमी बूस्ट बहुत मिलना बहुत जरूरी है जी, बिल्कुल, क्योंकि इसी के ऊपर जो है भारतवर्ष चलता है। दूसरी बात आती है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जी। देखिए कि आप अगर कोई किसी भी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपकी जो कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। इसमें मैं एग्जांपल देता हूँ, आपकी DBT की एग्जांपल देता हूँ जी, जो एक बात डायरेक्ट बेनिफिशियरी स्कीम की हम बात करते हैं, बिल्कुल सही, जिसमें जो पैसा जो है वो मतलब टेक्नोलॉजी के थ्रू ट्रांसमिशन होती हैं, बिल्कुल। तो वो अगर देखा जाए इस वक्त आप देखें कि ज़्यादातर जो स्कीम्स हैं भारत सरकार की वो DBT के माध्यम से चल रही है, तो उस में डायरेक्ट हाँ, तो उस सेंस में आप देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़ गया। COVID-19 के अंदर देखिए हमारे जो हॉस्पिटल्स थे इनके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले था और अब है उसमें रात दिन का फर्क है। बिल्कुल, आप PPT किट की बात कर लीजिए, ये भारत मुल्क जो था वो PPT किट इम्पोर्ट करता था और आज भारत जो है वो PPT जो है एक्सपोर्ट करता है। तो आप देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन 6 और 7 महीनों के ऊपर डिस्पाइट द फैक्ट कि एक स्लो डाउन था उसके बावजूद एक बहुत ही अच्छा काम हुआ है। मतलब एक आपदा को अवसर के रूप में जो है एडॉप्ट exactly. किया गया है और उसका जो फायदा उठाया और गया। तीसरी जो बात जो मैं देख रहा हूं कि टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन सिस्टम जो है वो प्लेस हो गया है हमारे पास, अब वो देखिए आप। और चौथा जो इसका स्तंभ है वो है वाइब्रेंट डेमोग्राफी। देखिए आपने बहुत सुना होगा सारी जगह पे कि जब भी हम युवाओं की बात करते हैं, सशक्तिकरण की बात करते हैं जी, बिल्कुल, तो डेमोग्राफी डिविडेंड की हम बात करते हैं। बिल्कुल सही भाई, भारत में क्योंकि बहुत ज्यादा, और देखिए डेमोग्राफी डिविडेंड यही भारत के लिए डिविडेंड है। बिल्कुल, और ये है क्या मैं बताता हूँ आपको। आप देखिए कि आज अगर हम 2020 की बात करते हैं और अगर मैं 2024 को लेके चलूं तो 2024 तक भारत जो है वो युवा मुल्क बनने वाला है जी, बिल्कुल। और मैं मेरा ये मानना है, ये फैक्चुअल फिगर है कि 2000 मतलब आप ये मुझे कि जो एवरेज एज होगी 26 से 35 साल के बीच में युवा जो होंगे वो डिफरेंट सतह के ऊपर हेल्म ऑफ द अफेयर में होंगे, टॉप लेवल पे होंगे। बिल्कुल, युवाओं की जो संख्या है वो लगभग 74-70% होने वाली है, 75% युवा होंगे, आप इमेजिन कर सकते हैं। तो वो ये डिविडेंड है, बट ये निर्भर करेगा कि इस डिविडेंड का फायदा हम भारत में कैसे लें, कैसे इनकैश किया तो उसको मुझे लगता है कि सशक्तिकरण जो एक माध्यम है जी, जिसमें एजुकेशन भी है, एजुकेशन स्किल भी है, स्किल डेवलपमेंट भी है, तो उसके लिए मुझे लगता है विशेष रूप से सरकारों को इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर सीरियसली काम करने पड़ेंगे और तभी जाके इस डिविडेंड को हम अपने ऊपर कहीं इस सारे सिस्टम के अंदर व्यवस्था के ऊपर इसको हम कहीं ना कहीं व्यवस्थित कर सकते हैं जी। राणा जी आपने बहुत अच्छी बात कही है कि ये जो सरकार के जो प्रयास हैं इन प्रयासों से आज हम देख पा रहे हैं कि हम एक विकास के पथ की ओर अग्रसर हैं। और अगर हम बात करें जैसे आपने बताया कि नौकरी पेशा युवाओं के लिए और साथ में स्वरोजगार के युवाओं के लिए, तो इन इसमें जो भारत अभियान आत्मनिर्भर भारत अभियान में जो खास सुविधाएं दी जा रही हैं, चाहे वो लोन के रूप में हो चाहे वो रोजगार की सुविधाएं हो, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। देखिए मैं आपको जो सबसे जो महत्वाकांक्षी योजना है इस पर स्किल डेवलपमेंट से जो जुड़ी हुई है जी, बिल्कुल, क्योंकि सरकार का एकमात्र उद्देश्य यही है जी कि हम कहीं ना कहीं अपना जो एक एकेडमिक प्रोसेस है जी, हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ सकते हैं, कॉलेज में पढ़ सकते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं जी, बिल्कुल, एक फॉर्मल एजुकेशन के प्रोसेस में है, तो उस फॉर्मल एजुकेशन को कहीं ना कहीं हम इसके साथ जोड़ने का प्रयास जो है वो भारत सरकार कर रही है। और स्किल डेवलपमेंट जो है जी,
यही एक मेजर जो इनका स्कीम है, जो मेजर प्रोग्राम है, जिसको हर राज्य की सरकार जो है वो एक इम्प्लीमेंटेशन करने का प्रयास भी वो कर रही है। और यही बात शायद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी देखिए साथ में रखी गई। जब हम रिफॉर्म की बात करते हैं जी, और आजकल देखते हैं कि आजकल रिफॉर्म चल रहे हैं, बिल्कुल चाहे हम किसानों की बात कर लें, पर मुझे लगता है कि होलिस्टिक जो रिफॉर्म्स हैं उनकी आज बहुत जरूरत है। और उसके अंदर जो रिफॉर्म्स अगर आपको करने हैं, आपको एजुकेशन के अंदर भी रिफॉर्म करने हैं, उसके लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑलरेडी प्लेस हो चुकी है, उस बस इम्प्लीमेंटेशन में वो पड़ी है। दूसरा मुझे लगता है कि सिविल सर्विसेज रिफॉर्म की बहुत ज़रूरत है आज के दिन, क्योंकि जब तक सिविल जो सर्विस रिफॉर्म नहीं होंगे तब तक आप बहुत ज़्यादा नहीं चलते हैं। लेबर रिफॉर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जब इन तीन या चार रिफॉर्म्स के ऊपर भारत सरकार काम कर लेगी तो निश्चित रूप से जो तरक्की है, जो हम करना चाहते हैं, जो हमारी योजना है इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे, चाहे वो स्किल इंडिया हो, चाहे स्किल एजुकेशन हो, वो मुझे लगता है कि रियल सेंस में समाज के अंदर एक सार्थक रूप बनने वाला है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि आपदा को जो है अवसर में कन्वर्ट किया गया है, और अगर हम कोविड 19 महामारी की बात करें तो ऐसे समय में बहुत सी ऐसी बातें हुई हैं, खासकर अगर हम बच्चों की बात करें तो उनकी ऑनलाइन शिक्षा शुरू हुई है, अगर हम दूसरे व्यवसायों की बात करें या फिर सरकारी उपक्रमों की और विभागों की बात करें तो वहाँ पर वर्क फ्रॉम होम का कल्चर स्टार्ट हो गया है। तो ये जो अवसर भारत सरकार ने देखा आपदा में, इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं कि डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में किस तरह से जो है तरक्की की जा रही है। देखिए, डिजिटल इंडिया की बात बहुत पहले से हो रही थी जी, बिल्कुल, लेकिन जितना जोर कोरोना के दौरान इसने पकड़ा जी, बिल्कुल, आप इमेजिन करिए कि आप कोई हमारे स्कूल और कॉलेज आज खुले नहीं है, पिछले 6 या 7 महीने से बंद है, बिल्कुल, लेकिन पढ़ाई हमारी बंद नहीं है, वो चल रही है, बहुत सारी क्लासेज हमारी ऑनलाइन चल रही है, बिल्कुल, बहुत सारे हमारे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है वो वर्क फ्रॉम होम कर रही है, ऑनलाइन काम चल रहा है जी, बिल्कुल। और मुझे तो यहाँ तक भी पता चला है कि बहुत सारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ये कहती है कि वर्क फ्रॉम होम जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, यानी एक एम्प्लाइज जो किसी पर्टिकुलर सिटी में रहता है वहाँ उसके खर्चे भी ज़्यादा थे, लेकिन वही एम्प्लाइज आज अपने घर में बैठ के और उसकी जो आउटपुट है वो भी ज़्यादा है जी, वो जो काम 3 दिन में करता था वो काम 1 दिन में करता है जी, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एक जो टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन सिस्टम को प्लेस करने की जो हमने बात करी थी पहले डिजिटल इंडिया, वो मुझे लगता है कि कोरोना दौरान के अंदर उसने बहुत जोर पकड़ लिया, तो इसी चीज मुझे लगता है, और ये एक बहुत ही एक मुझे लगता है कि अच्छा एक फैक्टर है आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि हम 21st सेंचुरी के अंदर भारत को किस रूप में देखना चाहते हैं जी, तो वो मुझे लगता है कि जब हम युवाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं जी, या युवाओं के रोजगार की हम जब बात करते हैं, या युवाओं की जो स्किल जो है उसकी हम बात करेंगे, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हमारे जो एक जो टेक्नोलॉजिकल ड्रिवर सिस्टम है या डिजिटल इंडिया की जो बात करें उसका बहुत एक महत्वपूर्ण रोल जो है उस सारे प्रोसेस के अंदर आ जाएगा जी, बिल्कुल। तो अगर हम आत्मनिर्भर भारत अभियान के लक्ष्यों की अगर हम बात करें कि सरकार ने ऐसे कौन कौन से लक्ष्य रखे हैं और कितने समय में उनको पूरा करना चाहती हैं, और कुछ पूरे भी हो पाए हैं और आने वाले समय में पूरे भी हों, कि हम इस वक्त देख रहे हैं कि बहुत सारे क्षेत्रों में काम हो रहा है और अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है, धीरे धीरे जो हमारा जो माइनस में जो अर्थव्यवस्था जा रही थी अब वो प्लस की ओर जा रही है, चाहे हम खेतीबाड़ी के क्षेत्र की बात करें, चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो हर जगह हम तरक्की देख रहे हैं, तो ये जो लक्ष्य हैं ये धीरे धीरे किस तरह से पूरे की जाएंगे। देखिए जी, जो मेन ऑब्जेक्टिव है चाहे तीनों वर्जन की जो हमने बात करी और भारत सरकार का, वो एक इकोनॉमी को अब अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाना है, एक तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है, और दूसरा जो है वो बूस्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट जी। और उसमें जब हम बूस्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट की हम बात करते हैं जी। तो हम R&D के ऊपर जाएंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर जी, बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है दीपक जी जी, बिल्कुल, क्योंकि अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं करेंगे जी। तो हम जिस टेक्नोलॉजी की बात हम कर सकते हैं या जिस इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट की हम बात करते हैं जी। वो मुझे लगता है कि वो शायद सपना ही रह जाएगा, मेरा ये मानना जी, है जी, बिल्कुल, क्योंकि देखिए कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अगर हम एजुकेशन प्रोसेस के अंदर आप बात करें, बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहना चाहता हूँ कि रिसर्च आज होती है, ज़्यादातर जो PhD है वो लाइब्रेरीज के अंदर होती हैं जी, तो मेरा ये मानना है कि जब तक हम फॉर्मल एजुकेशन को ट्रांसमिट नहीं करेंगे, समाज के साथ नहीं जोड़ेंगे, समाज के उसका समाजीकरण नहीं करेंगे, तो उसका जो बेनिफिट है, उसका जो लाभ है, वो हमें नहीं मिलता है, बिल्कुल सही। अब आप सरकार को भी मुझे लगता है कि ऐसा एक ध्यान इसके ऊपर देना पड़ेगा, क्योंकि मैं 3 देशों का कंपैरिजन करता हूँ, इसराइल का करता हूँ, अमेरिका का करता हूँ और इंडिया का करता हूँ। अब तीनों में देशों में देखिए कि जब R&D की बात होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की होती है, तो इसराइल आज टोटल GDP जो है उनकी, उसका लगभग 4% जो है वो अपने R&D के ऊपर खर्चा कर रहा है। अमेरिका जो है वो 3.8 यानी
प्रतिशत जो है टोटल जीडीपी का वो अपना वहां खर्चा कर रहा है, और जब हम भारत की बात आती है तो हम 0.8% पे हैं। तो दीपक जी, मुझे लगता है कि अगर इन लक्ष्यों को हमें पूरा करना है तो R&D का बहुत बड़ा रोल रहेगा। कहीं ना कहीं जो टोटल GDP की हम बात करते हैं, सरकार में मुझे लगता है कि एजुकेशन के ऊपर, इस जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, तो निश्चित रूप से अब वो 0.8 से बढ़कर हम, मुझे लगता है कि हम 6% तक जाने वाले हैं। और निश्चित रूप से जब हम टोटल GDP का 6% जो है वो खर्चा जो है वो R&D पे करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ मिलने वाला है उसका बहुत बड़े। बिल्कुल सही बात आपने कही। तो आपने ये बात कही कि हम लक्ष्यों को भी प्राप्त करेंगे और हमारा लक्ष्य है कि 6% तक पहुंचना है, तो इस अभियान को जो है मतलब लागू करने के लिए कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो आने वाले समय में सरकार को जो है फेस करनी पड़ेगी, और सभी को जो सामने जो चुनौतियां इस वक्त हैं उसके बारे में बताएं। देखिए, इसमें 2 या 3 चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही हैं जी। सबसे पहले जो बहुत बड़ा एक चैलेंज मैं देख रहा हूँ जी, वो लिक्विडिटी का है। बिल्कुल, अब देखिए कि पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता है जी। बिल्कुल, और पैसा गवर्नमेंट दे तो रही है जी, लेकिन इसमें 3 मेन स्टेक होल्डर हैं जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जी, बैंक्स हैं और सिटीजन हैं जी। अब ये तीनों पैसा शुरू कहाँ से होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, वो बैंकों में जाएगा, बैंकों से जो पैसा है वो बेनिफिशियरी यानी सिटीजन के पास जाएगा। बिल्कुल, अब इसके लिए हमारा जो एक सिस्टम हमें प्लेस करना है जी, यानी ट्रांसमिशन वाला जो है, मॉनेटरी ट्रांसमिशन वाला, वो बहुत ही प्रभावकारी होना चाहिए। बिल्कुल सही, अदरवाइज कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकली हम फंस जाएंगे। वो पैसा RBI से बैंकों तक तो पहुंच जाएगा, लेकिन बैंकों से बेनिफिशियरी तक नहीं पहुंचा, तो जो महत्वाकांक्षी योजनाओं की हमने पहले बात करी तो शायद उस पर थोड़ी हमें दिक्कत आने वाली है। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है जी। दूसरा चैलेंज मैं देखता हूं कि कोरोना काल के अंदर आपने देखा है दीपक जी कि लोग घरों में बंद हो गए जी, और कुछ ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर तो पैसा भी नहीं मिला, सैलरी नहीं मिली जी। बिल्कुल, तो जब आपके पास पैसा नहीं है तो आप स्पेंड नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, जब आप स्पेंड नहीं कर पाएंगे तो डिमांड जो है वो ऑटोमेटिकली स्लो डाउन पे चली जाती है, यानी डिमांड रहती नहीं है। जब मेरे पास खरीदने के लिए पैसा ही नहीं है तो मैं क्या खरीदूंगा, ठीक है ना? तो जो डिमांड सप्लाई की इनकम्पैटिबिलिटी है जी, वो इसके ऊपर, वो उसके ऊपर हमें ध्यान रखना पड़ेगा, यानी डिमांड जनरेट करनी पड़ेगी। और डिमांड जनरेट कब होगी? जब हमारे पास जेब में पैसा होगा और उसको हम खर्चा करेंगे, तभी जाके ये सब वहां पे मिलेगा। और तीसरी है जो मैं देखता हूँ, जो चैलेंज, मेजर चैलेंज है, वो है कि फाइनेंस को कैसे मोबिलाइज किया जाए जी। अब देखिए दीपक जी, फाइनेंस जो है वो सेंट्रल पॉइंट है सारे, इसका जो सेंट्रल बिंदु है ये जी, क्योंकि इसके बिना हम नहीं चल पाएंगे कहीं भी। बिल्कुल सही बात। तो फाइनेंस को मोबिलाइज करने के लिए हमारे पास रास्ते क्या है? देखिए ना, मतलब हमारे जो PSU हैं जी, वो आज डेट रिडन है। बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो अगर आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं या कोई कंपनी खरीदती भी है किसी को, वो तैयार नहीं होती है। बिल्कुल सही। अब मैं अगर कोई कंपनी खरीदना चाहता हूं और वो 50,000 डेट पे, मिलियन डेट पे पहले चल रही है, तो मैं भी हिम्मत नहीं करूंगा। बिल्कुल सही बात। अब हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व है उसको कैसे यूटिलाइज करना है? क्योंकि अगर आप, हम फॉरेन की तरफ देखेंगे, देखिए मेक इन इंडिया की तरफ तो हमें जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही। आज आप देखिए कि जो हमारा रुपीज है वो ऑल टाइम लो है, अगर डॉलर के हम इसके कंपैरिजन देखें तो डेफिनेटली वहां से भी चांसेस कम हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं समस्याएं जो हैं वो भी हमारी हैं, सुधार जो हैं इसके जो सोल्यूशन होंगे वो भी हमारे ही होने हैं। तो अब मैं जानना चाहूंगा कि आपके अपने जो स्तर पर जो कौन कौन से कार्य हिमाचल प्रदेश में खासकर और हिमाचल के आसपास के क्षेत्रों में किए जा रहे हैं। देखिए, हिमाचल के साथ मेरा लगाव है और मैं कोशिश भी करता रहता हूँ जहाँ मुझे मौका मिलता है। चंडीगढ़ प्रशासन के अंदर जब मैंने CTOS एक प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया था जी, यानी चंडीगढ़ ट्रेनिंग ऑन सॉफ्ट स्किल जी, ये वो प्रोग्राम था जिसमें हम, जब बच्चा +2 करता है, कॉलेज में जाता है, तो ऐसे एक स्किल सेट के साथ उसको हम डिग्री देने का प्रयास करते हैं ताकि उसको एजुकेशन लेने के बाद बाहर कोई दिक्कत ना आए। तो मैं चाहता था कि इस जो CTOS तरह का जो प्रोग्राम चंडीगढ़ में इम्प्लीमेंट है वो भी भारत में या हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर वो भी इम्प्लीमेंट हो जाए जी। इशू क्या है? अब मैं आपका छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, बद्दी का एग्जाम्पल देता हूँ। अब बद्दी के अंदर इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा। अब उस इंडस्ट्री के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थी जी, स्कीम के तहत वो 70% जो भारत का, जो सॉरी हिमाचल का जो युवा है उसको मिलनी चाहिए थी जी, लेकिन वो अदर वे अराउंड है। आज आप देखेंगे कि दूसरे प्रदेशों को जो युवा हैं वो उन फैक्ट्रियों में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इसके ऊपर सोचना पड़ेगा, वो कौशल विकास ना होने के कारण। बिल्कुल, मुझे लगता है कि इसको हमें स्कूलों में शुरू करना पड़ेगा, कॉलेज के अंदर शुरू करना पड़ेगा, ताकि एजुकेशन खत्म करते करते वो बच्चे का जो है वो स्किल सेट इतने तरीके से आ जाए कि उसकी वहां पे जाके एक्सेप्टेबिलिटी हो जाए। अब हमारे पास समय की कमी है, अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? देखिए जी, मैं क्योंकि इस
डिपार्टमेंट के अंदर पिछले 24-25 साल मेरा युवाओं के साथ है और मुझे हर राज्य के अंदर जाने का एक मौका मिलता है जी, और युवाओं के साथ मेरा वार्तालाप जो है वो एक रेगुलर फीचर है जी, और भारत के युवा जो हैं वो इसमें कोई डाउट नहीं है, मुझे कोई डाउट नहीं है कि इस वो कंट्री को, इस देश को वो आगे ले जाने वाले हैं जी। लेकिन जो एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ उनको, वो मैं देना चाहता हूँ कि अपने विचारों पर नज़र रखो, वो आपके शब्द बन जाते हैं जी। शब्दों पे नज़र रखो, वो आपके कार्य बन जाते हैं जी। कार्यों पे नज़र रखो, वो आपकी आदत बन जाती है। आदत पे नज़र रखो, वो आपका चरित्र बन जाता है। चरित्र पे नज़र रखो, वो आपकी नियति बन जाती है। तो मुझे लगता है कि अगर भारत का युवा इस सर्कुलरेशन में चला जाता है तो निश्चित रूप से वो बहुत एक कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर बनेगा सॉरी सोशल कंस्ट्रक्शन के अंदर जी। विक्रम सिंह राणा जी, आज आपने आत्मनिर्भर भारत अभियान और युवा सशक्तिकरण के बारे में हमारे दर्शकों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक जो है इस जानकारी से ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, और अगले अंक में एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।